जी भाई, आज इनका सवाल ये है कि नज़रे बद की निशानियाँ क्या हैं। पहले तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है, नज़रे बद है क्या। नज़रे बद किसी की बुरी नज़र लगना, ठीक है, और ये बिल्कुल है और बकायदा तौर पर, यानी कि आप कह लें कि इसका वजूद है। और जो लोग कहते हैं ना नज़र वग़ैरह नहीं लगती, तो उसको बता दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी नज़रें बद हुई थी, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी नज़र लगाई गई थी। वो वाकया यूँ था कि बनू असद के लोग थे, वो मशहूर थे नज़रें बद के लिए ना, कि वो यानी कि जिसको भी देख लें तो उसको नज़र लग जाती थी। वो क्या किया करते थे, वो ये किया करते थे कि तीन दिन भूखा रहने के बाद मैं भी आपको नज़रें बद की निशानियाँ बताता हूँ, मैं आपको नज़रें बद के बारे में बता रहा हूँ। तीन दिन भूखा रहते थे, भूखा रहने के बाद किसी भी शख्स या किसी भी जानवर को दिल भर के देखते थे और दिल में ये कहते थे कि काश ये कितना, ये यानी कि ये जितना इंसान खूबसूरत है, काश मैं भी इतना खूबसूरत होता। इसी तरह किसी जानवर को देख के कहते थे, वाह ये जानवर कितना खूबसूरत है, हाय ये मेरे पास होता। तो अभी वो ये टिक के देख रहे होते थे और अपने दिल में कर रहे होते, तो इंसान का रंग पीला पड़ जाता था और वो काँपना शुरू हो जाता था। तो यानी कि वो मशहूर थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उन्होंने प्लान किया, बनू असद के लोगों ने उन्होंने प्लान किया, उन्होंने अपने एक बंदे को हायर किया कि भाई तुमने जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगानी है। उसने उसी प्रोसेस के तहत तीन दिन भूखा रहने के बाद वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाई। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहते थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दम किया। वो दम भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि नज़र बद का वजूद है, और नज़र बद जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। ये वो चीज़ है कि एक हट्टे कट्टे इंसान को लागर बना सकती है, ठीक है, और एक हट्टे कट्टे जानवर को बिल्कुल लकड़ी बना सकती है। नज़र वो है, नज़र तो कहते हैं ना पत्थर को भी तोड़ देती है, तो नज़र जो है नज़र बद का वजूद है। अब आ जाते हैं हम इसकी बात कि नज़र बद की निशानियाँ क्या हैं। देखें, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, लेकिन जो उसकी कॉमन निशानियाँ हैं नज़र बद की, जिसको ये हो कि नज़र बद उसको लग गई है या उसको शुबा हो, तो उसमें सबसे पहली निशानी जो है ना, उसका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एक इंसान इंतहाई तंदुरुस्त होता है, तवाना होता है, अचानक बीमारी की जद में आ जाता है, ठीक है। नंबर दो आपको मैंने बता दी। नंबर तीन, नज़र बद की निशानी ये है कि इंसान को सुस्ती और काहली होने लग जाती है, ठीक है, सुस्ती और काहली होने लग जाती है। नंबर चार, उसके पेट के नीचे यानी कि टांगों में, थाइज़ में खून के ऐसे धब्बे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो कि जैसे आप बॉडी पे कोई चीज़ मारें तो नीला नीला सा खून जम जाता है, तो इस तरह के धब्बे जो होते हैं वो बाकायदा तौर पर वाज़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसान को किसी ने मारा है, ठीक है, नज़र बद की निशानियाँ बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आँखों के नीचे अचानक डार्क सर्कल पड़ जाना, ठीक है। उसके अलावा इंसान का अचानक खड़े खड़े अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके कांपना शुरू हो जाना, ये भी नज़र बद की निशानी है, ठीक है। इसके अलावा मुसलसल इंसान को एक खौफ मुब्तला रहना, हर टाइम एक खौफ की हालत में रहना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैठा हुआ है, अचानक डर गया कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वो ना। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखें कि ये जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये बॉडी टू बॉडी वेरी करती है नज़र बद के हवाले से, लेकिन कहने का मतलब है आप अपना इलाजी तशखीस भी करवाएं, कि लाजमी नहीं है कि ये इलाज, देखें हो सकता है किसी इंसान को अचानक वॉमिटिंग आए, वॉमिटिंग निशानी नज़र बद की भी है कि उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही, यानी कि उल्टियाँ आई जा रही हैं, क्या आई जा रही है, लेकिन ये बेसिकली डिसफंक्शन ऑफ आप कह लें स्टोमिक का भी डिसफंक्शन हो सकता है। चूँकि भाई ने सवाल किया कि नज़र बद की निशानियाँ बताएं, तो मैं आपको नज़र बद की निशानियाँ बता रहा हूँ कि नज़र बद की निशानियाँ ये होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कि एक इंसान अपने कारोबार में बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, अचानक उसका कारोबार जो है दिनों में डाउन की तरफ आना शुरू हो जाता है और उसका कारोबार तबाह हो जाता है, तो ये भी नज़र बद की बहुत बड़ी निशानी है, ठीक है। अचानक हाथ से पैसा तंग हो जाना, यानी कि अचानक तंगी के हालात हो जाना, यानी कि एक इंसान तीन दिन पहले अच्छा खाता पीता और दो तीन दिन के अंदर ही अंदर उसके हाथ तंग हो जाना, ये भी नज़र बद की निशानी है। एड़ियों के नीचे दर्द होना, अब एड़ियों के नीचे दर्द तो यूरिक एसिड
की बढ़ने की वजह से भी होता है, लेकिन अगर वो ठीक है फिर एड़ियों के नीचे दर्द हो रहा है तो नज़रे बद की निशानी है। तो नज़रे बद की मैंने आपको बताया ना मल्टीपल निशानी है मल्टीपल बॉडीज़ के हवाले से, ठीक है ना। लेकिन जो कॉमन निशानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सर का दर्द हो जाना बिला वजह, कोई वजह नहीं, लेकिन सर का दर्द मिग्रेन की वजह से भी होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है, अचानक रहना और उसकी वजह से सुस्ती होना, आंखें बंद होना, घबराहट होना, तो ये सब जो हैं वो नज़रे बद की निशानियाँ हैं। तो उसके लिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, उससे पहले नज़रे बद हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब अल्लाह ताला ने कुरान की दो सूरा उतारी, सूरह फलक और सूरह नास, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी जितने वो दम अपने आप पे किया करते थे उनको छोड़ दिया और इनको पढ़ना शुरू कर दिया। वो किस तरह पढ़ते थे? हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास तीन तीन दफ़ा पढ़कर अपने हाथों पे फूंकते थे, अपने पूरे जिस्म पे फेर लेते थे। ये अब आप देखें कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दम छोड़कर ये पढ़ना शुरू किया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है कि नज़र के लिए, जादू के लिए, जिन्नात के लिए ये दोनों सूरा काफ़ी हैं, यानी कि ये दोनों सूरा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ु वजल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस हालत में नाजिल फरमाई थी क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ हुआ था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें नाजिल कर दी कि जो इंसान, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ेंगे तो जो जादू है और नज़रे बद है उससे दूर हो जाएंगे। तो आप ये देखें जब नज़रे बद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो सकता है तो किसी पे भी हो सकता है। नज़र के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया ना कि नज़र वो चीज़ है जो एक हट्टे कट्टे इंसान को मौत तक पहुँचा सकती है, मौत तक पहुँचा सकती है, लेकिन मौत उस टाइम ही आएगी जब अल्लाह चाहेंगे, ये बात ध्यान में रखें। और एक हट्टे कट्टे जानवर को लकड़ी बना सकती है, तो ये जो है उसकी भी मौत तभी होनी जब अल्लाह ने चाहा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि नज़र खा जाती है, नज़र तो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो भाई आपने जो सवाल किया नज़रे बद की निशानियाँ, मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। देखें कुछ चीज़ों में अपना कुछ मामूल बनाएं, मैंने आपको पहले भी बताया कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप रेगुलर रखते हैं तो इन चीज़ों का आप पे हमला नहीं होता। एक तो आप हर वक्त घर में अल्लाह का जिक्र रखें। किस तरह रखेंगे? घर से निकलते वक्त आप दुआ पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखें वो हिस्नुल मुस्लिम की बुक्स मिल जाती हैं, आप तो बल्कि एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है हिस्नुल मुस्लिम दुआएं, ठीक है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएँ पढ़ा करते थे वो दुआएँ उसके अंदर सारी की सारी हैं। घर से निकलते हुए दुआ करें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर के अंदर दाखिल हों बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना अलल्लाह रब्बिना तवक्कलना। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त हमारे घरों के अंदर, देखें पहले ज़माना होता था जादू पहले भी होते थे, जिन्नात पहले भी होते थे, नज़रे बद बहुत कॉमन होती थी, लेकिन कहने का मतलब है इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, एक तो हम लोगों ने पहले वाशरूम होते थे घरों से बाहर, फिर वो सहन के अंदर आ गए, सहन से होते होते अब तो कमरों के अंदर आ गए। और इन लोगों को, अब मैं बात कर रहा हूँ जिन्नात जादू की, कि इन चीज़ों को जो पनाह मिलती है वो कहाँ मिलती है? वो वॉशरूम में मिलती है। यानी कि जब आप अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं तो ये भागते हैं जाके वॉशरूम के अंदर जाके छुप जाते हैं। और क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम वॉशरूम की दुआ पढ़े बगैर अंदर जाते हैं तो लाजमी सी बात है इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनकी चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ बताई कि जब भी बैतुलखला में जाओ, यानी कि गुसल खाने में जाओ या वाशरूम में जाओ, तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खबूसी वल खबाइस, और जब बाहर निकलो तो कहो गुफराना का, ठीक है। ये दुआ ज़रूर पढ़ें, तीन चीज़ें हो गई। और हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये तीन तीन दफ़ा अपने जिस्म पर पढ़ के आप हाथों पे फूंक के अपने पढ़ के हाथों पे फूंक के पूरे जिस्म पे फेरते रहें। आई गारंटीड के कोई जादू, कोई आप पे चीज़ असरअंदाज नहीं होगी, नज़र कोई मसला आपको नहीं होगा। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको जादू का, नज़रबाद का, जिन्नात का बहुत ज़्यादा ही ख़तरा है, तो आप रात सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी दो आयात आमन रसूलों से शुरू होती है, वहाँ से ले कर और एंड तक आप पढ़ें दो तीन दफ़ा, और एक दफ़ा आदिल कुर्सी पढ़ें। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात को सोते हुए दो तीन दफ़ा सूरह बकरा के आखिरी दो आयात पढ़ता है तो वो सुबह तक हर तरह के जादू जिन्नात से महफूज रहता है, और जो सुबह पढ़ता है वो शाम तक महफूज रहता है। तो प्यारे भाई ये था मामला नज़र बद के हवाले से, जो मैंने, यानी कि भाई ने सवाल किया कि नज़र बद की निशानियाँ, मैंने नज़र बद को भी बता दिया, नज़र बद का पस मंज़र भी बता दिया, नज़र बद का इलाज भी बता दिया, और नज़र बद का आपको निशानियाँ भी बता दी।